लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को और बेल आइकन दबाइए एवं देखिए मेरे वीडियो आप सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार मेहता और आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड ने जो मैथ का मॉडल पेपर जारी किया है उसके सेट थ्री के सोल्यूशन के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग हमसे क्लास करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए पते पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि इंटीग्रेशन के पे पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हम लोग मान लिए हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन के पे पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग किए क्या है, अब इसके बाद हम लोग मान लिए हैं यहां से t इक्वल टू मान लिए हैं रूट एक्स। तो अब इसके बाद क्या है, यहां से रूट एक्स यानी t इक्वल टू रूट एक्स को x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं तो आ गया है dt इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या है, इस दो को इस साइड हम लोग देख रहे हैं हर में है तो इस साइड ले गए हैं तो हो गया है अंश में। तो अंश में आने के बाद हो गया है 2dt इक्वल टू 1/√x dx। इसके बाद किए क्या है, फिर हम लोग चले हैं इंटीग्रेशन i से यानी i इक्वल टू यहाँ दिया हुआ इंटीग्रेशन k, यहाँ दिया हुआ है k पावर रूट एक्स और रूट एक्स के बराबर हम लोग माने हैं t, इसलिए हो गया है k पावर t और 1/√x dx के बराबर लिख दिए हैं 2dt. तो यहाँ हो गया है, यहाँ पे हो गया है k पे पावर t इंटू 2dt। अब यहाँ से दो को बाहर कर दिए हैं तो हो गया है इंटीग्रेशन k पे पावर t dt। अब हम लोग देख सकते हैं कितना फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन a पे पावर x dx इक्वल टू होता है a पे पावर x y log a। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं के पे इंटीग्रेशन के पे पावर टी डी टी को लिख दिए हैं के पे पावर टी बाय लॉग के, के पे पावर टी बाय लॉग के। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया है 2 के पे पावर टी बाय लॉग के। अब हम लोग टी का मान पुट कर दिए हैं, यहाँ टी इक्वल टू है रूट एक्स इसलिए यहाँ टी के स्थान पे रख दिए हैं रूट एक्स। तो आ गया है 2 के पे पावर रूट एक्स बाय लॉग के बाय लॉग के। तो इस प्रकार मेरा इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया है 2 के पे पावर रूट एक्स बाय लॉग के प्लस सी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो मेरा आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/sin x + cos x dx = what। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग मान लिए हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x + cos x dx। इसके बाद क्या है, इसके हर में हम लोग रूट टू से गुना और रूट टू से भाग कर दिए हैं तो लिखा गया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 √2 sin x + cos x। इसके बाद हम लोग ऊपर वाले रूट टू को बाहर कर दिए हैं तो आ गया है 1/√2 और नीचे वाले रूट टू को साइन एक्स और कॉस एक्स से गुना कर दिए हैं तो आ गया है नीचे में 1/√2 sin x + 1/√2 cos x। इसके बाद हम लोग किए क्या है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा गया 1/√2 को लिख दिए हैं sin π/4 और दूसरे वाले 1/√2 को लिख दिए हैं cos π/4। तो इस प्रकार ये आ गया है sin π/4 × sin x + cos π/4 × cos x।
इसके बाद इसको हम थोड़ा उलट कर लिख दिए हैं, यानी कॉस को पहले लिख दिए हैं और साइन को बाद में लिखे हैं। तो लिखा हो गया है 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos x इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 4। तो इस प्रकार ये हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये लिखा गया है i=1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस पाई बाय 4 इंटू डी एक्स। इसके बाद हम लोग ये 1/cos को लिख दिए हैं sec, तो आ गया है i=1/√2 इंटीग्रेशन sec x माइनस पाई बाय 4 dx। इसके बाद किए क्या है, हम लोग मान लिए हैं t=x माइनस 4। इसके बाद किए क्या है, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, तो आ गया है dt बराबर dx। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस पाई बाय 4 को माने हैं t, तो इसलिए यहाँ हो गया है sec t और dt=dx, तो इसलिए dx के स्थान पे आ गया है dt। तो इस प्रकार आ गया है i=1/√2 इंटीग्रेशन sec t dt। इसको देख सकते हैं कि sec x का जो फॉर्मूला होता है log sec x प्लस 10x, या लिख सकते हैं log x माइनस 2 प्लस पाई बाय 4। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर लिख दिए हैं sec t को, लिख दिए हैं 1 बाय, यानी sec t को लिखा गया है, यानी sec t को लिख दिए हैं log t/2 + π/4, ठीक है, और प्लस c, यानी यहाँ 1/√2, यानी इस प्रकार यहाँ लिखा गया है 1/√2 log t/2 + π/4 + c। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि t के स्थान पर रख दिए हैं हम लोग x - π/4, तो आ गया है t के स्थान पर रखने पर आ गया है यहाँ पे t के स्थान पर रख दिए हैं x - π/4, तो आ गया x - π/4/2 + π/4 + c। इसके बाद क्या क्या है, इस 2 को अलग अलग कर दिए हैं, तो आ गया है i=1/√2 log x/2 - π/8 + π/4। इसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे 1/√2 log x/2 और -π/8 में +π/4 को घटा दिए हैं, तो आ गया है +π/8। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया है 1/√2 log x/2 + π/8 + c, यानी इस प्रश्न का जो मेरा आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/√2 log 10 x/2 + π/8 + k, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि तल आर कैप इंटू एन कैप =P1 और तल आर कैप इंटू एन कैप =P2 के बीच की दूरी है, तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो याद रहे ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, अगर दो प्लेन का इक्वेशन, जैसे यहाँ दो प्लेन, एक प्लेन है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो पहला प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर r इंटू वेक्टर n =d1 और वेक्टर r इंटू वेक्टर n =d2, और दो प्लेन इस तरह से रहे और दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये d=mod d1 - d2 / mod vector n। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न में यहाँ पे d1 के जहाँ पे दिया हुआ है p1 और d2 के जहाँ पे दिया हुआ है p2 और वेक्टर n के जहाँ पे दिया हुआ है n कैप, और हम लोग जानते हैं n कैप मतलब वो एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, मापांक जो होता है वो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ अगर इस फॉर्मूला में बैठा दें तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला में कि d=mod p1 - p2 / 1। तो मेरे पास बचता है सिर्फ mod p1 - p2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी mod p1 - p2। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है अवकल समीकरण d²/dx²/y+dy/dx²/1/2 का घात और कोटि निम्न में से कौन है। तो देखते हैं इसके घात और कोटि निकालने, तो घात और किसी भी अवकल समीकरण का घात और कोटि निकालने के लिए
सबसे पहले हम लोग अवकल समीकरण में देखते हैं कि किसी भी टर्म में जो पावर हो पावर प्रमेय नहीं होना चाहिए, यानी ऑलवेज पूर्णांक होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग किए क्या है, इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये हो गया है डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इस साइड हो गया है बाय प्लस डी बाय बटे डी एक्स। तो अब इस प्रकार इसको हम लिख दिए हैं डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर पे पावर फोर इक्वल टू बाय प्लस डी बाय बटे डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है कोटि टू है और घात जो है वो फोर है, कोटि टू है और घात फोर है। तो इसका जो मेरा आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा फोर टू। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर फाइव की ओर। और प्रश्न नंबर फाइव में दिया हुआ है कि सदिश ए वन आई कैफ प्लस ए टू जे कैफ प्लस ए थ्री के कैफ और बी वन आई कैफ प्लस बी टू जे कैफ प्लस बी थ्री के कैफ एक दूसरे के लंबवत है यदि। तो ध्यान रहे कि दो सदिश लंबवत होता है यदि और केवल यदि उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है, उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। तो ये दोनों जो होगा लंबवत तभी होगा जब इस दोनों का अदिश गुणनफल शून्य होगा, यानी a1 b1 a2 b2 और a3 b3 जीरो होगा, ठीक है, तभी ये शून्य होगा। तो इसका जो ऑप्शन में सिर्फ इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो तभी सही होगा जब यहाँ इक्वल टू जीरो होगा, जब यहाँ इक्वल टू जीरो होगा ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि दो सदिश तभी एक दूसरे पर लंब होता है जब उनका अदिश गुणनफल शून्य होता है। और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, जैसे ए वन को गुना करेंगे बी वन से तो आएगा ए वन बी वन, ए टू को गुना करेंगे बी टू से तो आएगा ए टू बी टू और ए थ्री गुना करेंगे बी थ्री से तो आएगा ए थ्री बी थ्री, ठीक है, इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे जो इक्वल टू जीरो डाले हैं वो अपना मन से डाले हैं। अगर यहाँ इक्वल टू जीरो रहेगा तभी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्यथा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग यानी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू जीरो। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर सिक्स की ओर। और प्रश्न नंबर सिक्स में दिया हुआ है कि यदि आई एक एकांकी अव्यूह है तो कौन सत्य है, यदि आई एक एकांकी अव्यूह है तो कौन सत्य है। तो ध्यान रहे कि आई एक एकांक अव्यूह है, तो आई एक एकांक अव्यूह है तो आई एक एकांक अव्यूह है तो कौन सत्य है। तो ध्यान रहे कि हाँ दिया हुआ है आई स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये जो मेरा ऑप्शन है ही मेरा प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है यानी आंसर कि आई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ध्यान रहे कि आई स्क्वायर इक्वल टू वन नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि मोड यानी आई स्क्वायर का मोड इक्वल टू वन तब ये सत्य होता, तब ये सत्य होता, अन्यथा ये सत्य नहीं होता। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये तभी सत्य होगा जब यहाँ मोड दिया हुआ यानी मोड आई स्क्वायर रहेगा दिया हुआ, क्योंकि मोड आई स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, मोड आई स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। और आई का सारणिक कभी भी शून्य नहीं होता है इसलिए ये भी असत्य होगा, और आई का सारणिक कभी टू भी नहीं हो सकता है इसलिए ये भी असत्य होगा, इसलिए भी असत्य होगा। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए भी असत्य है। ये ऑप्शन नंबर ए सत्य तभी होगा जब यहाँ दिया हुआ रहेगा मोड आई स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तभी ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा, अन्यथा इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर सेवन की ओर। तो देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर सेवन दिया हुआ है डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू वाट। तो ये तो फॉर्मूला ही है कि सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। तो फॉर्मूला ही दिया हुआ है इसलिए इसका जो होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी वन बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर एट की ओर। और प्रश्न नंबर एट में दिया हुआ है कि वक्र वाई इक्वल टू साइन एक्स के बिंदु जीरो जीरो पर अभिलंब का समीकरण है, वक्र वाई इक्वल टू साइन एक्स के बिंदु जीरो जीरो पर अभिलंब का समीकरण है। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में
तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले ले लिए हैं, दिया गया है कि वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो हमको निकालना है जीरो जीरो पर अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग किए क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। तो आ गया है डी वाई बटे डी एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अभिलंब का जो ढाल होता है, अभिलंब का जो ढाल होता है वो ढाल होता है, अभिलंब का ढाल बराबर एम इक्वल टू माइनस वन बाय डी वाई बटे डी एक्स। तो हम देख सकते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स आया है कॉस एक्स, इसलिए हो गया है इक्वल टू माइनस वन बाय कॉस एक्स, माइनस वन बाय कॉस एक्स। तो हम लोग निकाल लिए हैं कि जीरो जीरो पर अभिलंब का ढाल, तो जीरो जीरो पर अभिलंब का ढाल ढाल इक्वल टू एम इक्वल टू आ गया है माइनस वन इक्वल टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वन होता है इसलिए आ गया है माइनस वन, यानी जीरो जीरो पर अभिलंब का ढाल आ गया है माइनस वन। अब हम लोग जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला होता है, ये अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला होता है बाई माइनस बीटा इक्वल टू माइनस वन बाय डी बाई बटे डी एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो माइनस वन बटे डी बाई बटे डी एक्स को हम लोग एम माने हैं तो लिख दिए हैं एम, तो हो गया बाय माइनस बीटा इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब निकाल लिए हैं जीरो जीरो पर अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पे अल्फा भी जीरो हो गया और बीटा भी जीरो हो गया है, तो यहाँ पर रख दिए हैं बीटा की जहाँ पे जीरो और एम का मान तो माइनस वन निकला था इसलिए एम के स्थान पर माइनस वन और अल्फा की जहाँ पे भी जीरो। तो इस प्रकार मेरा आ गया बाई इक्वल टू माइनस एक्स, बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स इस साइड माइनस में है तो हो गया इस साइड प्लस में, तो हो गया बाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, बाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर 9 की ओर, और प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इक्वल टू वाट, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू वाट। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स को लिख लिए हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अब यहाँ पे लिख दिए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, इसलिए यहाँ sec स्क्वायर एक्स वाई टू के बदले हो गया टेन एक्स वाई टू, यानी sec स्क्वायर एक्स वाई टू का इंटीग्रेशन आ गया टू टेन एक्स वाई टू, और वन का इंटीग्रेशन हो गया है माइनस एक्स और प्लस सी। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। तो आइए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर 10 की ओर, और प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है कि यदि ए इक्वल टू ऑब्लिक वन टू टू वन, तो एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू वाट, एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू वाट। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ ए इक्वल टू लिख लिए हैं वन टू टू वन, अब यहाँ पर किए क्या है, ये ऑब्लिक ए का कोफैक्टर निकाल लिए हैं, ऑब्लिक ए का कोफैक्टर, तो वन का कोफैक्टर, तो वन का लिख वन को लिख दिए हैं ए वन वन, क्योंकि वन का जो स्थान है वो ए वन वन है, तो ए वन वन, तो वन का रो, वन का रो यानी वन का जो है वो परी और वन का खरी छोड़ दिए हैं तो बचता है वन, तो यहाँ आ गया वन, और वन का साइन यहाँ पॉजिटिव रखें क्योंकि इस वाले वन और वन को जोड़ेंगे टू आता है, तो टू अगर ये दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आवे तो इसका 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 जो साइन रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, और ये दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या आवे तो इसका जो साइन रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, तो इसलिए ए वन वन, तो यहाँ वन का कॉलम और वन का रो छोड़ दिए तो वन आया है, तो इसलिए ए वन वन आ गया वन, फिर ए वन टू, ए वन टू मतलब ये टू का कोफैक्टर, यानी टू का जो स्थान है वो है ए वन टू, तो टू का यानी टू का परी और टू का खरी छोड़ दिए हैं तो यहाँ पर टू बचता है, और ए वन टू यानी वन टू को जोड़ते हैं थ्री आता है जो एक विषम संख्या है इसलिए हो गया माइनस टू। अब यहाँ फिर निकाले हैं ए टू वन, यानी ये टू का कोफैक्टर, यानी टू का जो स्थान है वो है ए टू वन, इसलिए टू का परी और टू का खरी छोड़ दिए हैं तो आया है ये टू बचता है, तो यहाँ टू लिखा गया है और टू का साइन नेगेटिव रखे हैं क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर आता है विषम संख्या। फिर इसी प्रकार निकाले हैं वन का कोफैक्टर, तो ए यानी वन का जो स्थान है ए टू टू है, तो वन का कोफैक्टर निकल गया है वन, टू टू को जोड़ने पर आता है सम संख्या इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। अब किए क्या है, इससे यानी ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू से एक अभ्यूह बना लिए हैं, इसको हम लोग बी मान लिए हैं,
इसको हम लोग बी मान लिए हैं, तो बी इक्वल टू आ गया है अभी वन माइनस टू माइनस टू और वन। अब क्या क्या आप निकाले हैं एडजॉइंट ऑफ है, तो एडजॉइंट ऑफ है निकालने की जो अभी हम लोग बी मानते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालने बी डैश बी से निकालनी है बी डैश, तो आ गया है इसको बी डैश मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका मतलब इसके वाले जो रॉ है उसको कॉलम बना देना है, जो कॉलम है इसको रॉ बना देना है। तो ये वन माइनस टू को लिख दिए हैं कॉलम में, यानी वन माइनस टू यहाँ रॉ में लिखा हुआ है इसको लिख दिए हैं कॉलम में, वन माइनस टू यहाँ भी देख रहे हैं माइनस टू वन रॉ में लिखा हुआ है इसको लिख दिए हैं कॉलम में। तो इस प्रकार मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है वन माइनस टू माइनस टू वन, वन माइनस टू माइनस टू और वन। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो होगा आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए वन माइनस टू माइनस टू वन, वन माइनस टू माइनस टू वन, वन माइनस टू माइनस टू वन, ऑप्शन नंबर ए वन माइनस टू माइनस टू वन। Thank you.